हाय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज जो है मैं ये कैप की वीडियो लेके आई हूँ। देखिए, कैप बनाना तो आसान ही है, लेकिन उसके ऊपर जो हम डिक्रीज डालते हैं वो देखिए, आज मैं बिल्कुल नया और आसान पैटर्न लेके आई हूँ इसके लिए। और जो यहाँ पे डिज़ाइन डाला हुआ है ये इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बनता है। और इसकी जो लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ, सेंटर्स पर रखेंगे तो ये हमारा 7 इंच के लगभग आ जाता है, तो 7 से हल्का सा कम है, तो ये जो है हमारी लेंथ है। और इसकी जो चौड़ाई बनती है ये है 6 इंच के लगभग। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। और आज की जो स्पेशल वीडियो है वो है इस गोलाई के ऊपर, तो क्योंकि कुछ लोग मुझसे इसकी जो है इस तरीके की कैप्स की जो है ऊपर गोलाई किस तरीके से बनानी है ये पूछ रहे थे, तो इसके लिए मैंने आज की वीडियो में सारा एक्सप्लेन करके बताया है। तो अगर आपको ऐसा ही ऊपर से कैप बनानी है तो आज की वीडियो को फॉलो करके आप बना सकते हैं। तो इस कैप को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने 81 डबल स्टिचेस जो है इस तरीके से कास्ट ऑन करे, ये 81 स्टिचेस पर ही मैंने गार्टर स्टिचेस में 4 इस तरीके से दोनों तरफ लाइन बनाते हुए, दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए ये छोटा सा बॉर्डर जो है ये बनाया है। और इसके साथ जो मैचिंग मैं कार्डिगन या स्वेटर बनाऊंगी उसमें भी सेम बॉर्डर है, तो मैंने ये बॉर्डर बनाया है। उसके बाद एक सीधी साइड से सीधी सीधी सिलाई और 10वीं सिलाई उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बनाने के बाद मैंने जो है पैटर्न को अप्लाई किया है। इस पैटर्न को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बहुत ही डिटेल में आसानी से, तो अगर आपको ये पैटर्न की लिंक चाहिए तो आप मेरे चैनल पर इसे ले सकते हैं। और इसकी लिंक जो है मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से इस पैटर्न का वीडियो जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये जो है मैंने एक बार पूरा बनाया हुआ है और एक बार आधा बनाया हुआ है, तो लगभग ये 1.5 बार मैंने जो है ये पैटर्न को बनाया हुआ है। और ये 81 स्टिचेस पर ही बनाया हुआ है, 81 स्टिचेस पर पैटर्न बनना था, तो उसी के हिसाब से मैंने नीचे जो है कास्ट ऑन करे थे फंदे। तो अब जो ये लेंथ है, ये टोटल लेंथ मेरी जो है लगभग 6 इंच के लगभग आ जाती है। देखिए, तो ये 6 इंच के लगभग आ गई, ये काफ़ी है। और इसके बाद जब हम ऊपर डिक्रीज डालेंगे, गुलाई देंगे कैप की, तो उसमें भी थोड़ी सी लेंथ आ जाती है, तो ये आप इतनी ही लेंथ जो है बच्चों के लिए रखें। उसके बाद देखिए, अब फ्रंट साइड में मैं जो है अब यहाँ पे गुलाई देना शुरू करूँगी। तो ये किस तरीके से मैंने दी है ये आप देखिए ध्यान से, तो इसी तरीके की गुलाई मैं अक्सर जो है बेबी कैप्स में डालती हूँ, और पहले भी मैंने काफ़ी कैप्स में जो है इस तरीके की डिक्रीज जो है डाली है, और काफ़ी लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि इसे बताइए, तो आप इस कैप में उसे नोटिस कर लीजिए। और बहुत आसान डिक्रीज है, देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फंदा स्लिप करूँगी और 6 फंदे सीधे बुनूंगी, तो ये मैं यहाँ पे रो 1 मान के चलती हूँ। यहाँ से एक फंदा स्लिप करने के बाद 6 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं, ऐसे ये 7 फंदे हो गए हैं। अब देखिए, अब धागा आगे करूँगी मैं और यहाँ पे 3 फंदों को साथ में उल्टा बुन दूंगी इस तरीके से। उसके बाद धागा पीछे करने के बाद मैं यहाँ पे 7 फंदे सीधे बुनूंगी। तो यहां से यहां देखिए, पहला फंदा जो है इसे आप छोड़ देंगे, 2 4 6 3 का 1 2 4 6 7, ये जो है हमारे पास 2 4 6 8 10 12 और 14 फंदे हैं, और इस पे मैंने 2 फंदों को यहाँ पे डिक्रीज कर दिया है। तो यही फंदे जो है हम है एंड तक ये रिपीट करते जाएंगे। तो अब देखिए क्या किया था हमने, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 धागा आगे करके 3 का 1 कर देंगे हम उल्टा बुनते हुए, धागा पीछे 7 फंदे सीधे। तो ये मैंने एक और बार बना लिया है और ये मैं एंड तक बना के आपको बताती हूँ।
तो ये मैंने एंड में जो है यहाँ पे आ गई हूँ, यहाँ पे तीन का एक किया है। उसके बाद देखिए हमारे पास लास्ट में एक दो तीन चार पाँच छः सात फंदे जो हैं ये इस तरीके से रह जाएंगे जैसे शुरू में थे। तो ये जो पैटर्न है इसके ऊपर जो मैंने यहाँ पे ये डिक्रीज स्टार्ट किया है ये बिल्कुल ठीक बैठता है, और क्योंकि ये नीचे 16 फंदों का ही डिज़ाइन था तो ऊपर जो है ये 16 फंदों पर बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है। और जो डिक्रीज आता है देखिए बिल्कुल बीच वाले फंदे पर यहाँ पे स्टार्ट होता है, जहाँ पे भी आप देखेंगे ये देखिए बिल्कुल बीच वाला फंदा जो है पैटर्न का उसके ऊपर ये डिक्रीज स्टार्ट होता है, तो इस पर ये अच्छा लगेगा। तो अगर आपका जो डिज़ाइन है वो 10 फंदों का है तो आप ये जो बीच में सीधे सीधे फंदे आते हैं इनकी संख्या जो है वो अलग अलग हो सकती है, मान लीजिए 10 हो सकती है। अगर 10 फंदों का ये डिज़ाइन है, 12 फंदों का डिज़ाइन है, तो आप यहाँ पे 10 फंदे बीच में रख सकते हैं। तो इस कैप में जो है मेरा ये 14 फंदों का जो गोलाई की डिक्रीज है ये बिल्कुल सही बैठती है। और देखिए रॉन्ग साइड पे जो है हम कुछ नहीं करेंगे, डिक्रीज सिर्फ फ्रंट साइड पे डालेंगे, तो रॉन्ग साइड पे हम सारी सिलाइयाँ जो है इसी तरीके से उल्टी उल्टी बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लिया करेंगे, अगर बुनना चाहते हैं तो बुन सकते हैं, तो इस तरीके से रॉन्ग साइड पर हम उल्टा उल्टा बुन लिया करेंगे। तो अब हम डिक्रीज की थर्ड रो पे आ गए हैं। अब देखिए हमने पहला फंदा स्लिप करना है, उसके बाद 5 फंदों को इस बार सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 5 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हम धागे को आगे करेंगे और यहाँ पे देखिए 3 फंदों को साथ में ऐसे उल्टा बुन देंगे, फिर धागा पीछे कर लेंगे और इसके बाद 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अब हमारा जो है रिपीट पैटर्न यही रहेगा, 5 फंदे सीधे, 3 का एक और 6 फंदे सीधे। तो एक बार और कर लेती हूँ मैं, 1 2 3 4 5 और 5 एक और यहाँ पे 3 का एक ऐसे और धागा पीछे करके 6 फंदे सीधे। तो इस तरीके से ये वाली सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर रॉन्ग साइड पे सारी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। तो अब हम 5th रो बनाएंगे, तो पहला फंदा स्लिप करने के बाद 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 उसके बाद धागा आगे करके यहाँ पे फिर से हम 3 का एक करेंगे, तो जो उल्टा फंदा आता जाएगा वो बीच में आता जाएगा, उसके आसपास सीधे फंदे डिक्रीज होते जाएंगे। धागा पीछे करके फिर हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे, तो अब यही हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा, 10 फंदों का, 2 4 6 8 10। तो पहले 4 फंदे सीधे, उसके बाद धागा आगे करके 3 का एक, फिर धागा पीछे करके 5 फंदे सीधे। तो अब इन्हीं 10 फंदों को हम रिपीट करते जाएंगे और रॉन्ग साइड पे हम रो 6 भी बना लेंगे उल्टी। तो अब हम 7वीं सिलाई पे हैं, तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, इस बार 3 फंदे शुरू में सीधे बनाएंगे, 1 2 3 उसके बाद धागा आगे करके 3 का एक कर देंगे, फिर धागा पीछे करके 4 फंदे सीधे। तो अब ये ही हमारा 8 फंदों का रिपीट पैटर्न रहेगा, 3 फंदे सीधे, धागा आगे करके 3 का एक, धागा पीछे करके 4 फंदे सीधे। तो इस तरीके से हर बार जो है दो दो फंदे जो हैं कम होते जाते हैं, तो ये देखिए। तो अब इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरीके से आगे और 8वीं रो भी बना लेंगे। अब आ गए हम 9वीं सिलाई, 9th रो पे पहला फंदा स्लिप करके 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे करके 3 का एक कर देंगे, फिर धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे। तो अब हमारा जो है 2 4 6 फंदों का रिपीट पैटर्न रहेगा, 2 फंदे सीधे बुनने के बाद 3 का एक करेंगे और फिर उसके बाद 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये हम इस तरीके से जो है इन 6 फंदों को रिपीट करते जाएंगे।
ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद 10th रो कंप्लीट कर लेंगे। तो अब फ्रेंड्स ये देखिए, ये 10 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई हैं और ये देखिए बहुत ही अच्छी इसकी गुलाई जो है बनके इस तरीके से आती है। और अब हम 11वीं सिलाई बनाएंगे, 11th रो। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और उसके बाद धागा आगे करके हम 3 का 1 कर देंगे और उसके बाद धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो अब देखिए हमारे पास सिर्फ 4 फंदों का रिपीट पैटर्न रह जाता है, तो यही 4 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, 3 का 1 करेंगे धागा आगे करके, धागा पीछे करके 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो अब यही 4 फंदे रिपीट करते हुए हम सारी रो कंप्लीट करेंगे, फिर 12वीं सिलाई भी हम रॉन्ग साइड पे बना लेंगे। तो 12 सिलाइयों के बाद अब हम 13th रो 13वीं सिलाई पर हैं। पहला फंदा हम SH हम करेंगे स्लिप, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे सीधा फंदा कोई भी बनेगा, अब धागा आगे करके हम 3 का 1 कर देंगे ऐसे और उसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद फिर से धागा आगे करेंगे 3 का 1, तो एक फंदा सीधा, तो यही 2 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे, 3 का 1 और एक फंदा सीधा। तो ये 13th रो हमारी बनती है। 14th रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे, तो ये हमारी 14th रो 14वीं सिलाई भी कंप्लीट होती है रॉन्ग साइड पे। अब 15वीं सिलाई पे आते हैं। अब देखिए एक फंदा सीधा है, एक उल्टा है, तो अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा जो है स्लिप कर लेंगे और अब देखिए जो सीधा है सीधे में से सिलाई डालते हुए हम 2 का 1 करते जाएंगे ऐसे। तो ये 15वीं सिलाई में हमारा 2 का 1 2 का 1 होता जाएगा। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उसके बाद 2 का 1 फ्रंट लूप से करेंगे हम और ये करेंगे 5 बार। पहला फंदा स्लिप, 1 2 3 4 5, 5 बार हमने 2 का 1 किया है। और अब आ जाते हैं लास्ट रो। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी 16वीं सिलाई है और यहाँ पे हम 5 फंदे प्लस जो हमारा 6ठा फंदा है वो हम 7 में उल्टा बुन देंगे यहाँ पे। तो हम इस तरीके से पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे 6 के 6 फंदों में और इनको इकट्ठा उल्टा ऐसे बुन देंगे। और अब हम यहाँ पे जो है गांठ लगा लेंगे। तो अब पहले हम ये धागा जो है काट लेंगे और ये धागा देखिए हमने, अगर आपके पास यहाँ पे धागा नहीं बचा है तो आप यहाँ पे, अगर आपको धागा सिलाई के काम में लाना है, यहाँ पे सिलाई करनी है, तो आप इस धागे को उतना काटें जितना आपको सिलाई के लिए चाहिए। तो मैं इसे काट लेती हूँ पहले। तो ये देखिए मैंने काटा है और इसे अब इस फंदे के अंदर से मैं पास कर दूँगी, इस तरीके से यहाँ पर ये गांठ बन जाएगी। और ये देखिए ये हमारी लास्ट जो लाइन हमने बनाई है ये इस तरीके से नज़र आएगी, ये देखिए। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट जो है ये बन चुका है। और यहाँ पे जो है पॉम पॉम अगर आप बना के लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो अब मैं फाइनल जो है यहाँ पे इसको सिलाई करके बता देती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने सिलाई करके कंप्लीट कर ली है कैप, और ये हमारी ये फ्रंट साइड आ जाती है और इसकी ये देखिए डिक्रीज जो है बहुत परफेक्ट बनी है। तो जब आप इसे पहनाएंगे तो ये इस तरीके से ऊपर से नज़र आता है, देखिए बिल्कुल परफेक्ट जो है और आसान तरीका है यहाँ पे इसे बनाने का। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और मिलेंगे अब अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।